हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोगों का दिन अभी अच्छा जा रहा होगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी अपने दोस्त के घर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्यों भाग बैठे हो? अच्छा, व्लॉग स्टार्ट करवाने के लिए बैठे हो। तो मैं अभी अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, तो मिलते हैं आपसे अपने दोस्त के घर पे। उसके घर तो पहुंच चुके हैं, उसके घर के नीचे खड़े हुए हैं, उसको फ़ोन लगा दिया और वो अभी आ जाएगा। और फिर देखते हैं कहीं अच्छी जगह सोचा है कि जाऊंगा दोस्त के साथ अपने, देखते हैं कहाँ जाएंगे। ये हमारे मोनिस भाई की थार है। आय हाय भाई, कौन सा कलर है ये? हैं, लैम्बोर्गिनी ब्राउन CRD 0। बहुत प्यारी लग रही है। आय हाय, टायर वायर तो देखो ज़रा इसके। क्यों, रैली में कब उतार रहा फिर? हैं, कब? 4 साल बाद खुली है। अरे यार, अंदर से देखते बहुत खूबसूरत लग रही है यार। रैली में उतारेंगे मोनिस भाई ये गाड़ी। तो हमारे मोनिस भाई तो आ चुके हैं, अब चलते हैं अपन मोनिस भाई के साथ। कहीं कहाँ लेके आ रहा है? जहाँ जिंदगी ले जाए। जहाँ जिंदगी ले जाए, सही बात है। अच्छा, मैंने और मोनिस ने डिसाइड करा है कि हमें कहीं जगह मिल नहीं रही जाने के लिए, तो फिलहाल हम जा रहे हैं लेक पे। वहीं कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे, थोड़ा खा पी लेंगे और फिर देखते हैं कोई और जगह भी जाए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। फिलहाल लेक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, कपल्स आते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। और यहाँ पर जू है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो एक कंप्लीट फैमिली प्लेस है। यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं, जैसे फिलहाल मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ। और यहाँ बहुत ब्यूटीफुल व्यू मिल जाता है अपन को। लेक है, यहाँ पर बोट क्लब है, जू है और रेस्टोरेंट्स हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो एक परफेक्ट फैमिली प्लेस है ये। देखिए आप, बहुत बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पर। बोटिंग कर सकते हैं अपन आगे, बोटिंग बोट क्लब भी आगे जाके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो पूरा कवर करूंगा अभी। ये लेक का बोट क्लब है। यहाँ पर देखिए कितने लोग आए हुए हैं, सब लोग अपनी फैमिली के साथ आए। और ये देखिए ट्रेन है, इतनी खूबसूरत लग रही है, मतलब बहुत प्यारा व्यू है। देख सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं और यहाँ पर फुल कंप्लीट फैमिली स्पॉट है। यहाँ पर खाने पीने का भी है, मैगी वगैरह मिल जाती है यहाँ पर। ये क्रूज़ है बोट क्लब में, ये पूरी फैमिली इसको घुमाती है, पूरा एक राउंड लिया जाता है VIP रोड पे। तो बहुत अच्छा लगता है इस क्रूज़ में जब बैठते हैं। फिलहाल अभी हम नहीं बैठ रहे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और टाइम के साथ साथ अभी भीड़ भी बहुत है, तो बहुत टाइम लगेगा वहाँ बैठने में। चल झूठा, तो इसलिए देखिए लेक पे कितना खूबसूरत गिटार है। ये रिसाइकल्ड वेस्ट से ये गिटार बनाए गए, देखिए वहाँ लिखा भी है वेस्ट टू वंडर। और इसमें स्पीकर लगे हैं जो ऑटोमेटिक ट्यून्स बजाता है, जिससे बहुत सूदिंग साउंड आता है और बहुत मेलोडियस साउंड आता है। इससे यहाँ पर जो आसपास लोग हैं उन लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। और जो ये गिटार है वो मोस्टली सिर्फ नाइट टाइम में ही बजता है, डे टाइम में इतना नहीं बजता। देखिए लोग यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं, फुल फैमिली प्लेस है यहाँ पर। देखिए इतनी प्यारी बोटिंग है, लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं अभी उनकी टर्न का। तो अब ये लोग वहाँ बैठेंगे, फिर वो बोटिंग करने जाएंगे। लेक तो घूम लिए, अब जाना है शामलाल साइड, वहीं पर कुछ खाएंगे, क्योंकि लेक पे तो अभी बहुत भीड़ हो रही है, तो हमारी टर्न आने में अभी बहुत देर लग सकती है।
मैं और मोनिश शामलेस पे रुके हैं, यहाँ पर मैगी खाएंगे और फिर चलते हैं। तो बेहतरीन हमारी मैगी तो आ चुकी है, अब मैगी खाते हैं और फिर चलते हैं। मैगी वैगी तो खा ली, अब निकलते हैं यहाँ से कहीं और। अरे मोनिश भाई को तो यहाँ घर छोड़ दिया, उनको अपनी नानी के घर पे आना है, तो अपन चलते हैं अपने घर। रास्ते में अगर कुछ हुआ तो खा लेंगे, मोनिश भाई को तो खिलाए नहीं। मजाक कर रहा था, मोनिश भाई ने भी खाया है मैगी वैगी। भाई बता दो यार, लोग गलत समझेंगे मुझे। खाया है, खाया है। बाय बाय। तो अभी हम मोती मस्जिद पे रुके हुए हैं, यहाँ पर बेहतरीन चिकन पाव खाते हैं और फिर अपन अपने घर चलते हैं। हमारा चिकन पाव भी आ चुका है। चिकन पाव तो खा लिया, अब निकलते हैं घर के लिए। तो अभी मैं रुका हूँ शॉप पे, यहाँ से स्टिंग लेते हैं और फिर घर चलते हैं, क्योंकि मैंने मैगी और चिकन पाव खाने के बाद कुछ भी नहीं खाया पिया था। तो अब मैं यहाँ बहुत प्यास लग रही है, तो जल्दी से स्टिंग लेते हैं और फिर घर चलते हैं। तो स्टिंग तो ले ली, अब चलते हैं घर। तो फाइनली घर तो पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत थक चुके हैं। और फिर रायल भाई को ट्यूशन भी छोड़ने जाना है। कितने बजे जाना है? 6:30। तो आधे घंटे तक मैं रेस्ट कर लूंगा, क्योंकि अभी 6 बज रहा है और 6:30 तक इनको ट्यूशन छोड़ देंगे। अरे ये तो दिखाओ। क्या दिखाऊं? चाय बिस्किट खा रहा है, वो भी ओरियो। बड़े अमीरी वाले शौक है, हमारे जमाने में तो हम पार्ले जी से खाया करते थे। तो 6:30 बजे हमने रायल को ट्यूशन छोड़ दिया था और मैं आके ही सो गया था थोड़ी देर। फिर जैसे ही मैं उठा तो मैं GTA 5 खेलने लगा। अभी रायल के ट्यूशन से फ़ोन आ चुका है, तो अभी अपन चलते हैं रायल भाई को लेने। हमारे रायल भाई को तो ले आए हैं, अब चलते हैं घर पे और अपन अपना GTA 5 कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं अभी बहुत इम्पोर्टेंट मिशन कर रहा हूँ GTA 5 में। तो यार गाइस, खाना वाना सब हो चुका है और अब रात हो चुकी है, थक भी गया हूँ मैं आज बहुत। तो अब और फिर मुझे अभी व्लॉग भी एडिट करना है, तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। रुक जाओ, तो पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। मैं करूंगा। तो यह गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी चलाइए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।